नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को झटका लगा है। दरअसल पंचायत चुनाव में टीएमसी के 12% उम्मीदवार ही निर्विरोध चुने गए, जबकि साल 2018 में पार्टी के 34% प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 5 साल में पंचायत चुनाव में निर्विरोध टीएमसी को मिलने वाली सीटों में 22% की गिरावट हुई है। खास बात यह है कि टीएमसी ने ज्यादातर सीटें उन जिलों में जीती है जहां नामांकन में बड़े पैमाने पर हिंसा के आरोप लगे हैं। इनमें बीरभूम के अलावा मुर्शिदाबाद, बाकुंडा और दक्षिण 24 परगना शामिल है। एक्सपर्ट्स इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। बंगाल में एक कहावत प्रचलित है कि सत्ता का रास्ता गांव से ही निकलता है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अगर टीएमसी हिंसा का सहारा न ले तो उनके उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का आंकड़ा 5% से ज्यादा नहीं होता। बंगाल में पंचायत की 73,887 सीटों में से 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। अब इन सीटों पर 8 जुलाई को वोटिंग नहीं होगी। ये कुल सीटों में से करीब 12% है जिन पर किसी न किसी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध जीते हैं। इसी के